Assalamualaikum dear students, how are you? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एनिमल्स एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न इन एनिमल्स। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले एक या वर्ड याद रखें, एक डेफिनेशन है जिस एम्ब्रियो क्या है, व्हाट इज एन एम्ब्रियो। Embryo is known as the unborn baby. Unborn baby. Before birth, unborn baby. After birth, newborn baby. Okay? So embryo is before birth stage. That's why it is known as unborn baby. And the study of embryo, development and formation of embryo is called embryology. It's called embryology. So embryo क्या है? Unborn baby है और इसकी study को हम क्या कहते हैं? Embryology कहते हैं। अब वो embryonic development के लिए एक word याद रखें, embryo की formation को हम क्या कहते हैं? जिस ऐसा process जिसके अंदर embryo की formation को हम study करें उसे हम कहते हैं embryogenesis. Embryogenesis is the process of embryo formation. Embryo formation को कहते हैं, इस process को कहते हैं embryogenesis. अब embryonic development pattern देख क्या है? देखिए, female और male. सबसे पहले reproductive tract की अगर बात करें male और female में, तो male की body produce करती है sperm और female की body gamete produce करती है egg या ovum. अब एक और सबसे पहले ओव्यूलेशन होती है जिसमें फॉलिकल से रिलीज होता है, जैसे कि ओवरी से एग एम्प्यूला में आता है फेलोपियन ट्यूब्यूल में, और स्पर्म जो है वो वजाइना से सर्विक्स से होते हुए यूटेरस के अंदर फेलोपियन ट्यूब तक आता है और वहाँ पर सेकेंड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज ओव्यूलेशन, सेकेंड स्टेज इज फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, सपोज वे करें कि ये एग और स्पर्म मिल गए, नजदीक आ गए, ओव्यूलेशन हो गई है, अब यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, द सेकेंड स्टेज। ओके, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंड स्टेज क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन के अंदर एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है और फॉर्मेशन होती है किसकी? जायगोट की। इसकी जायगोट की। द प्रोसेस इन व्हिच एग एंड स्पर्म आर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल आर जायगोट। क्योंकि एग भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, लेकिन दोनों के फ्यूजन से तो हैप्लॉइड सेल जुड़ते हैं तो बनता है एक डिप्लॉइड सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। अब जायगोट के अंदर क्या होता है? सेकेंड थर्ड स्टेज क्या है? क्लीवेज। पैटर्न में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट पैटर्न में थर्ड स्टेज है क्लीवेज। क्लीवेज को हम क्या कहते हैं? देखिए, सेल डिवाइड हो बट उसकी विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। दो प्लेन हमने हमेशा सीखे, रेगुलर प्लेन भी है। सबसे पहले वर्टिकल प्लेन में सेल डिवाइड होता है, वर्टिकल प्लेन में जायगोट डिवाइड होगा तो जो सेल्स जायगोट डिवाइड होकर जो दो सेल बनते हैं, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमर्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर्स। तो ये कितने ब्लास्टोमर्स हैं? ये टू ब्लास्टोमर्स हैं यहाँ पर। फिर और माइटोसिस होगी, दो सेल के अंदर माइटोसिस होगी तो कितने ब्लास्टोमर्स बनेंगे? फोर ब्लास्टोमर्स। फोर ब्लास्टोमर्स के अंदर माइटोसिस होगी तो बनेंगे एट ब्लास्टोमर्स। एट ब्लास्टोमर्स के अंदर फिर माइटोसिस होगी तो क्लीवेज होगी तो बनेंगे 16 to 18, 32 ब्लास्टोमर्स तक जो सॉलिड मास ये बना हुआ है। सॉलिड मास और 16 to 32 ब्लास्टोमर्स आर इज नोन एज गैस्ट्यूला। क्या कहेंगे इसे? गैस्ट्यूला, सॉरी नॉट गैस्ट्यूला, सॉरी मॉरुला। मॉरुला क्या है? मॉरुला इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड मॉरुला, इज कॉल्ड मॉरुला एंड इट इज ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर सॉलिड मास ऑफ 16 to 32 ब्लास्टोमर्स। 16 to 32 ब्लास्टोमर्स का जो सॉलिड मास है, इस सॉलिड मास को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? मॉरुला। The first stage of embryo is called morula. Morula के cells migrate करेंगे, cells of morula migrate and form a hollow embryo.
कार्ड ब्लास्टुला और यू कैन से ब्लास्टोसिस्ट। अब सेल माइग्रेट कर गए, सेल ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया। अब देखिए ब्लास्टुला क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है, कैसे बनता है जब मोरूला के सेल माइग्रेट करते हैं, ब्लास्टोमेट्स माइग्रेट करते हैं और एक होलो एम्ब्रियो बनाते हैं, उस होलो एम्ब्रियो को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। अब ये सेकंड स्टेज है एम्ब्रियो का। अब देखिए इसके अंदर जब सेल माइग्रेट करते हैं तो कुछ अब आउटर सेल मास बनाते हैं, जो कुछ इनर सेल मास बनाएंगे, बेटा कौन सा सेल मास बना रहे हैं, इन आउटर सेल मास बनाने वाले सेल्स को कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे? ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। बेटा किसकी फॉर्मेशन कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये एक ब्रिज होता है जो कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड द बेबी। उसके बाद जो इनर सेल मास है, ये वाला जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, नाम से जाहिर है एम्ब्रियोब्लास्ट, जो आगे जाकर किसको बनाएंगे, एम्ब्रियो को बनाएंगे। और इसके पास एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील, द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या है, ये एक कैविटी है ब्लास्टुला की जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील। याद रखिए ब्लास्टुला कैसे बनता है, जब मॉरिला के जो सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं कुछ आउटर एरिया में, कुछ इनर एरिया में और कुछ होलो स्पेस भी बन जाता है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं कैविटी के साथ। तो याद रखिए ये जो स्टेज आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टुला द सेकंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ब्लास्टुला इज द सेकंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ओके नाउ द गैस्टुला एंड द फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। तो गैस्टुला क्या है, गैस्टुला कैसे बनता है, फाइनल स्टेज है एम्ब्रियो का, उसके बाद एम्ब्रियो ही बनना है। तो गैस्टुला क्या है, गैस्टुला इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लास्टुला सेल्स कार्ड गैस्टुला। जब ब्लास्टुला के सेल्स अब इनवर्ड फोल्डिंग करेंगे, यहां से इनवर्ड फोल्डिंग होगी, इन सेल्स की जो इनवर्ड फोल्डिंग होगी, इन फोल्डिंग्स, इसकी फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर मिलेगा इस स्ट्रक्चर को कहेंगे गैस्टुला। गैस्टुला के इस बारे में पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। इसमें अपर जो लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, मिडिल को मीजोडर्म कहते हैं, अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। इसकी जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर, जो फ्यूचर है माउथ या एनस का। और उसके बाद जो कैविटी है इसकी कैविटी ऑफ गैस्टुला, कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज ब्लास्टोसिल, द कैविटी ऑफ मोरूला गैस्टुला इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन। अच्छा आर्केंटेरॉन क्या है, आर्केंटेरॉन इज द फ्यूचर गट, गट है जहाँ पर कह सकते हो ये एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक बनाएगा। क्या कहलाएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक बनाएगा। आर्केंटेरॉन वो जगह है जहाँ से फ्यूचर में क्या बनेगा, एलिमेंट्री कैनाल या क्या बनेगा हमारे पास, गट, पूरा का पूरा गट स्टार्ट हो जाएगा, बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ एनिमल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। हमने जनरल स्ट्रक्चर और जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया एनिमल्स के अंदर। अब कुछ हम फाइलम डिस्कस करेंगे जो कि 9 फाइला हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।